हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, आई वॉज टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस इन माई प्रीवियस वीडियो. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. द फूड प्रिपेयर्ड बाई द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज. ग्लूकोज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स is then transported to the different parts of the plant as sucrose, a complex carbohydrate, by a phloem tissue. Extra glucose is changed into a complex carbohydrate called starch. This starch is stored in the leaves and other parts of the plant. पौधों के द्वारा जो भोजन का निर्माण किया जाता है तो हरी पत्तियों में ये सिंपल शुगर के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं जिसे ग्लूकोज कहा जाता है. और ग्लूकोज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, सबसे पहले ग्लूकोज का निर्माण होता है और तब यह पौधों के दूसरे हिस्सों में पहुंचा दिए जाते हैं फोलियम टिश्यू के माध्यम से. और एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. और जिस ग्लूकोज का अवशोषण या ज़रूरत पौधों को नहीं होता है वैसे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को परिवर्तित करके इसे कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च में तोड़ दिया जाता है. दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और ये स्टार्च पत्तियों में और पौधों के दूसरे हिस्सों में संग्रहित हो जाता है. रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. पौधों को प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आइए अब हम इसके विषय में जानते हैं. The materials required by plants for photosynthesis are water and minerals, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight. वैसे घटक जिनकी आवश्यकता पौधों को होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं के लिए वे हैं जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश. आइए अब हम जानते हैं कि अवशोषित किया हुआ जल और खनिज लवण पौधों में कहाँ से उपलब्ध होता है. वाटर एंड मिनरल्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. पेड़ पौधों के जड़ों के द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज लवण पौधों को मिट्टी के द्वारा प्राप्त होता है. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय जाइलम वेसल्स. और जड़ जो अवशोषित करता है जल और खनिज लवण को वह पौधों के दूसरे हिस्सों में पहुंचा देते हैं जाइलम वेसल के माध्यम से. What is called xylem vessels? Have you ever seen a leaf? In leaf you will get a green narrow vessels. That is called xylem vessels. Xylem vessels run like pipes throughout the roots, stems, branches and leaves and from a continuous path or passage for the water and minerals to reach the leaves. ये जाइलम वेसल एक पाइप के जैसे होते हैं जिसके माध्यम से पौधे संग्रहित किया हुआ जल, मिट्टी के द्वारा संग्रहित किया हुआ जल और खनिज लवण को जड़ में, तना में, शाखाओं में और पत्तियों में लगातार उस पाइप के माध्यम से, एक छोटे पतले पाइप के माध्यम से
खनिज लवण को वहाँ पहुँचाने के काम करती है। ये जड़ के माध्यम से अवशोषित होता है और पौधों के दूसरे हिस्सों में पहुँचा दिए जाते हैं। फ्रॉम हियर ए प्लांट कैन गेट कार्बन डाइऑक्साइड। लेट अस कम टू नो अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अंडर साइड ऑफ द लीव्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल। द गार्ड सेल्स कंट्रोल ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस के क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड टीनी पोर्स के माध्यम से स्टोमेटा में उपस्थित होता है, जो पत्तियों के अंदर के हिस्सों में बने होते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स। हैव यू एवर सीन ए वायर? देर इज नॉट ए नेकेड वायर, इट हैज बीन कोटेड विथ ए प्लास्टिक सच एज। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई ए गार्ड सेल। ये पोर्स जो पौधों में पत्तियों में मौजूद होते हैं, इन्हें एक गार्ड सेल के माध्यम से, ये गार्ड सेल ऐसे हैं जो उनकी रक्षा करते हैं, पोर्स की रक्षा के लिए बने हुए हैं। और दी गार्ड सेल्स कंट्रोल ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये गार्ड सेल के माध्यम से ही स्टोमेटा का खुलना और बंद होना तय होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के माध्यम से, पेड़ों के पत्तियों के माध्यम से ये एंट्री में आता है। पेड़ों के पत्तियों के माध्यम से हवा में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है। हियर टू ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन गिवेन। वन इज क्लोज्ड स्टोमेटा एंड सेकेंड इज ओपन स्टोमा। क्लोज स्टोमा गार्ड सेल हियर एंड ओपन स्टोमा एपिडर्मल सेल्स गार्ड सेल्स इन ओपन स्टोमा। हेयर इज द क्लोज स्टोमा, इट्स शेप इज डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ दिस पिक्चर। लिप्स मे बी इन डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप, बट गार्ड सेल इज जस्ट लाइक इट हैज बीन गिवेन इन दिस पिक्चर एंड दिस पिक्चर ऑल्सो। लेट अस नो अबाउट क्लोरोफिल। व्हाट इज कॉल्ड क्लोरोफिल? प्रकाश संश्लेषण के क्रियाओं में क्लोरोफिल का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्लोरोफिल का क्या काम है, कहाँ से इसे ऑब्जॉर्व किया जाता है, कैसे इसका निर्माण होता है। आइए अब हम इसके विषय में जानते हैं। तो क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल हरी पत्तियों में मौजूद होते हैं, ऑटोमेटिकली मौजूद होते हैं, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल सीधा सूरज के प्रकाश से उपलब्ध होता है। दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें सूरज के प्रकाश
से पाई हुई शक्ति के स्रोतों को भोजन बनाने के कामों में लिया जाता है, लेकिन इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है एंड वाटर और जल की भी आवश्यकता पड़ती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कर रहे होते हैं। बिसाइड्स लीव्स, फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेज। फॉर एग्जाम्पल इन डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस द लीव्स आर मॉडिफाइड इंटू स्पिन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस बाई ट्रांसपायरेशन। मरुस्थल में जो पौधे उपलब्ध होते हैं जिनमें जैसे कैक्टस होता है, तो कैक्टस में फोटोसिंथेसिस की क्रियाओं के लिए उनमें बाकी पौधों के अपेक्षा कुछ मोटे स्टेम्स होते हैं, उनके धड़ थोड़ा मोटे होते हैं और इस वजह से वो प्रकाश संश्लेषण के क्रियाओं को पूरा करते हुए अपने धड़ों को और पत्तियों तक जो है क्लोरोफिल को पहुंचा देते हैं, जिसके वजह से मरुस्थल में उगे हुए पौधे भी हरे भरे दिखते हैं। एंड दीज प्लांट्स हैव थिक एंड फ्लेसी ग्रीन स्टेम्स। ऐसा पौधे इस वजह से कर पाते हैं कि उनका जो स्टीम्स है, धड़ है, वो काफ़ी मोटे और फ्रेश होते हैं, फ्लेसी होते हैं, विच कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक दियर ओन फूड। और प्रकाश के संश्लेषण क्रियाओं को पूरा करने में पूर्ण रूप से माहिर होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो।